स्वागत करती हूँ और आज हम देखने वाले हैं रॉबिन शर्मा की एक किताब जिसका नाम है Who Will Cry When You Die। रॉबिन शर्मा का ये कहना है कि हमें क्या करना चाहिए ये जान लेना ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि हम ये जान लें एक बार कि हमें क्या करना है तो हमें वो काम करना भी पड़ता है। इसके बाद ही हम अपने लाइफ को सुधार सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ नहीं सुधरेगी। तो इस बुक में लेखक हमें 101 टिप्स बताते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने लाइफ को सुधार सकेंगे और इस दुनिया में कुछ ऐसे काम करके जाएंगे जिसके बाद लोग हम सभी को मतलब हमें याद करें। लेसन नंबर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग। रॉबिन शर्मा यहाँ पे बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके पिता ने उनसे कहा था कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे ना तो तुम रो रहे थे लेकिन पूरी दुनिया तुम्हारे लिए खुश थी। तो तुम अपने जीवन को कुछ इस प्रकार से जीना, इस प्रकार के काम करना कि जब तुम इस दुनिया से जाने वाले हो, इस दुनिया से चले जाओ तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रोए और तुम इस दुनिया से हंसी खुशी विदा लो। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हम ह्यूमंस इस बात को भूल गए हैं कि हमें किस तरीके से जीना चाहिए। हमारे अंदर जो एक ह्यूमैनिटी थी जिसके कारण हम दूसरे ह्यूमंस के साथ जुड़े रहते थे वो चीज़ हम भूल चुके हैं। उसका वो एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि हम बड़े आसानी से चांद के ऊपर किसी इंसान को भेज सकते हैं लेकिन अगर हमारा कोई नया पड़ोसी आए तो हम उससे मिलने के लिए 4 कदम चल के नहीं जा पाते। इसके बाद रॉबिन शर्मा हम सबसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं कि जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे तो आपके लिए कौन रोएगा? आप किस प्रकार का इम्पैक्ट छोड़ के जाओगे आने वाले जनरेशन के ऊपर ताकि वो आपको याद रखे? किस प्रकार का काम आप करोगे कि वो आपको हमेशा याद रखे आपके कामों के लिए? आगे वो बताते हैं कि एक आयरिश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था बर्नार्ड शॉ। जब वो मरने की कगार पे थे तो उनसे पूछा गया कि अगर आपको दोबारा से जीवन जीने का मौका मिले तो आप किस प्रकार से उसे जियोगे? तो बर्नार्ड शॉ का कहना था कि वो ऐसा इंसान बनने की कोशिश करेंगे जो वो बन सकते थे लेकिन वो कभी बन नहीं पाए। इसका मतलब है कि उन्हें किसी बात का रिग्रेट था कि वो कुछ बनना चाहते थे ऐसा इंसान लेकिन वो नहीं बन पाए। तो रॉबिन शर्मा ये कहते हैं कि इसीलिए उन्होंने ये किताब लिखी है ताकि हमें कभी भी ऐसा पछतावा हमें ना हो। आगे रॉबिन शर्मा बताते हैं कि वो दुनिया में हर एक जगह घूमते हैं और अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मौका मिलता है उन्हें बात करने का। तो वो लोग हमेशा उनसे पूछते हैं कि वो किस प्रकार से अपने जीवन के असली मतलब को ढूंढ पाएं, किस प्रकार से वो अपने काम के थ्रू कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके और किस प्रकार से वो अपने जीवन को एंजॉय कर सके इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि उनका बस एक ही आंसर होता है इन सभी क्वेश्चन का और वो है फाइंड योर कॉलिंग, यानी कि जो आपका पैशन है, आपका जो स्पेशल टैलेंट है, आपको उसे ढूंढना पड़ेगा और उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो आप उसे छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जो जॉब कर रहे हो ना आप वो करो लेकिन पूरे शिद्दत के साथ, आप अपना 100% उसके अंदर दे दो और उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो जो आपको अच्छा लगता है करना, जो आपका टैलेंट है आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। इसका ये मतलब है कि जो चेंज आप चाहते हो सोसाइटी में वो चेंज आपको खुद से करना पड़ेगा, कोई और आके आपको वो चेंज नहीं कर देगा। और वो बताते हैं कि महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि जैसा चेंज आप पूरे दुनिया में चाहते हो वैसा चेंज आपको खुद अपने अंदर करना पड़ेगा, तभी दुनिया बदलेगी आपके लिए। लेसन 2, एवरी डे बी काइंड टू स्ट्रेंजर। एक इंग्लिश राइटर थे जिनका नाम था एल्डोस हैक्सली। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन की जो सीख थी ना उसको चंद शब्दों में सम अप कर दिया और उन्होंने कहा कि एक दूसरे के प्रति हमें हमेशा दयालुता का भाव रखना चाहिए। रॉबिन शर्मा का कहना है कि हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हमें सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब हम बहुत ही बड़ा सा काम करेंगे और उस बड़े से काम करने के बाद हमें किसी न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन के फ्रंट कवर के ऊपर हमारा चेहरा आ जाएगा, हमारा फेस आ जाएगा, तभी हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने लाइफ में डेली आप किसी के प्रति दयालुता का भाव रखते हो, अच्छे से पेश आते हो, तो इससे थोड़े थोड़े करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आपकी वजह से दिन भर में अगर किसी एक इंसान के भी चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाता है तो आपको खुशी मिलती है। तो आप जब भी किसी से मिलो तो आप हमेशा स्माइल करो, एक स्माइल के साथ उनसे मिलो तो उनका भी दिन अच्छा हो जाएगा और वो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको संतुष्टि मिलेगी। आप दूसरे काम भी कर सकते हो, जैसे कि आप किसी बस में जा रहे हो तो आप अपना सीट किसी और को दे सकते हो जिसे उसकी ज़रूरत है और ऐसा करके आपको सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। इसीलिए हमें एक दूसरे के प्रति काइंड रहना चाहिए और अच्छे से पेश आना चाहिए। लेसन 3, मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। यहाँ पे रॉबिन शर्मा एक कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि एक हॉस्पिटल था और उस हॉस्पिटल में एक बेड था विंडो के पास, तो वहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ था। ठीक उसी रूम में कुछ दिनों के बाद एक और आदमी आया और उसे दूसरी वाली बेड मिली लेकिन वो विंडो के पास बिल्कुल भी नहीं थी। तो उन दोनों में दोस्ती हो गई, जो विंडो के पास लेटे हुए थे उनमें और जो विंडो के पास नहीं थे उन दोनों में दोस्ती हो गई। और जो इंसान विंडो के पास था, खिड़की के पास लेटा हुआ था, तो वो अक्सर अपने दोस्त को बताता था कि बाहर खिड़की के बाहर क्या हो रहा है, किस तरीके से हवा चल रही है, पत्तियाँ
हवा में लहरा रही हैं, लोग किस तरीके से चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो सब बताते थे। शुरू शुरू में तो दूसरे वाले इंसान को ये सब अच्छा लगता था सुन के, लेकिन धीरे धीरे उसे जलन होने लगी कि मैं ये सब नहीं देख पाता हूँ और वो ये सब देख पाता है। एक रात क्या हुआ कि वो जो आदमी जो खिड़की के पास था, तो उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे सांस नहीं आ रही थी। तो उसके दोस्त ने जो इमरजेंसी बटन होता है ना, वो नहीं दबाया, उसने छोड़ दिया ऐसे ही। सुबह पता चला कि वो इंसान जो कि विंडो के पास था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो उस आदमी ने जो विंडो के पास नहीं था, उसने कहा कि मेरा जो बेड है ना, वो विंडो के पास शिफ्ट कर दो। तो शिफ्ट कर दिया क्या, तो वो काफ़ी हैरान था वहाँ पे लेटने के बाद। उसने देखा कि वो जो विंडो था वहाँ, उससे बाहर तो कुछ नज़र आता ही नहीं था, क्योंकि उसके बाहर तो एक दीवार थी। इसका मतलब क्या था, जो उसका दोस्त था ना, वो उसे अपने इमेजिनेशन के थ्रू उसे कहानियाँ बताता था, ताकि उसके दोस्त की जो सफरिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाए, उसे कम दुख लगे और उसे अपने इस नेगेटिव टाइम में भी कुछ पॉजिटिविटी आ जाए। तो रॉबिन शर्मा कहते हैं कि ठीक इसी तरीके से हम क्या है ना कि नेगेटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हम ये नहीं देख पाते हैं कि ये जो नेगेटिव सिचुएशन आया है, इसमें भी हम किस तरीके से अपने आप को संभाल कर रख सके और उसमें भी किस तरीके से हम पॉजिटिविटी ला सके, उसे हम नहीं देखते। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने प्रॉब्लम को जितना बड़ा बना लेते हैं, उतना बड़ा वो प्रॉब्लम नहीं होता है। हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि हम एक बहुत ही बड़े से ब्रह्मांड में रहते हैं, इतने बड़े यूनिवर्स में रहते हैं, और एक छोटे से प्लैनेट के ऊपर हम रहते हैं, और उस छोटे से प्लैनेट के ऊपर भी हम कितने छोटे से एक जीव हैं, और हम अपने प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना लेते हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारा प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, और हम अपने नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना सीख लेंगे। हम बहुत ही कम टाइम के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं, इस प्लैनेट के ऊपर आए हैं, तो हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो हमें उसे अच्छे से जीना चाहिए, खुशी खुशी जीना चाहिए, ठीक उसी इंसान की तरह जो खिड़की के पास था और उसे कुछ नज़र तो आता नहीं था, लेकिन वो अपना इमेजिनेशन इस्तेमाल करके वो अपने दोस्त को और खुद को खुश रहने की कोशिश करता था, खुश रखने की कोशिश करता था। लेसन 4, प्रैक्टिस टफ लव। यहाँ पे रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन रखना चाहिए, यानी आत्म अनुशासन रखना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमें पता है कि हमें ये करना चाहिए, ये हम करेंगे तभी हमारा जो लाइफ है ना वो सुधरेगा, अच्छा होगा, लेकिन हम वो नहीं करते हैं। इसीलिए रॉबिन शर्मा सेल्फ डिसिप्लिन को कहते हैं टफ लव, यानी कि हमें अपने ऊपर सख्ती से पेश आना चाहिए। अगर आप सख्त होगे अपने ऊपर, तो आप अपने आप को मजबूर करोगे वो काम करने के लिए जो आपको करना चाहिए, लेकिन आप वो नहीं करते हो। अगर आप वो काम करोगे जो आपको करना चाहिए, तो यही है आपके प्रति प्रेम, आप खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, इससे अच्छा प्रेम आप खुद को नहीं कर सकते। और जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर शक्ति से पेश आओगे, तो उतना ही आपका जो लाइफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता जाएगा। और आप सोचते हो कि आप ऐसा करोगे लेकिन आप करते नहीं हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ नहीं सुधर रही है, क्योंकि जब तक आप कोई काम सीखना चाहते हो वो नहीं करोगे, तब तक आप सीखोगे कैसे। जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा था कि अगर आपको कोई काम सीखना है, तो आपको वास्तव में जाके वो काम करना पड़ेगा। कोई इंसान है जो बिल्डिंग बनाना सीखना चाहता है, तो उसे बिल्डिंग बनाना जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं बनाएगा तो वो सीखेगा कैसे। ठीक उसी तरीके से कोई इंसान जो ब्रेव है, काफ़ी बहादुर है, तो वो बहादुर कैसे बना, वो बहादुरों वाले काम करके बना ना। तो ठीक उसी तरीके से हमें अपने ऊपर टफ रहना चाहिए और वो काम करना चाहिए जो हमें करना चाहिए, जो हमारे लिए ज़रूरी है। लेसन नंबर 5, कीप ए जर्नल। इस लेसन में रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमें रोज़ जर्नल लिखना चाहिए। वो कहते हैं कि जब आप जर्नल लिखते हो, तो आप उससे बहुत कुछ सीख पाते हो। आपने रोज़मर्रा की जीवन में जो भी किया है वो घटनाएं लिखते हो, और उससे आपने क्या सीखा है आप वो भी लिखते हो। इससे क्या होता है कि जैसे जैसे दिन बीतता है, ठीक उसी तरीके से आप समझदार होते जाते हो, और जो भी काम आप करोगे तो उसमें आप कम गलतियां करोगे। ये एक तरीके से खुद से बात करने जैसा है, आप खुद से बात करते हो और अपने आप को और भी ज़्यादा जान पाते हो। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि डायरी और जर्नल में थोड़ा सा अंतर होता है। डायरी में जो चीज़ें होती हैं, आपके साथ कोई घटना घटी तो आप उसके बारे में लिखते हो, लेकिन जर्नल में आप उस घटना के बारे में एनालाइज भी करते हो कि आपने क्या किया, क्यों किया, और वो काम करने के बाद आपने उस चीज़ से सीखा क्या। एक मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप हर रोज़ 15 मिनट अगर देते हो जर्नल लिखने में, तो उससे जो आपका जो हेल्थ है ना वो इम्प्रूव होता है, आपका इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता भी इम्प्रूव होती है, और आपका पूरा एटीट्यूड जो है वो बदल जाता है। लेसन